अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद का दिन है तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड सेवैयाँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध लिया है मैंने, 3 से 4 टेबल स्पून चीनी के लिए हैं, हाफ़ पैकेट मैंने सेवैयों का ले लिया है, पिस्ता बादाम हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड के लिए लिए हैं, वनीला फ्लेवर है ये। तो ये नीम गर्म दूध थोड़ा सा हम लेंगे, इसको कस्टर्ड में मिक्स करके डालेंगे। दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध में उबाल आएगा इसमें हम सेवैयाँ ऐड करेंगे। थोड़ा सा जो नीम गर्म दूध रखा था उसमें मैंने कस्टर्ड मिक्स किया है। कस्टर्ड को आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बनने पाएँ। तो दूध में हमारे उबाल आ गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब मैं इसमें सेवैयाँ ऐड कर दूंगी। 3 पर्सन के लिए मैं सेवैयाँ बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने हाफ़ पैकेट सेवैयों का लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने चीनी की ऐड करनी है इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी चीनी चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि ये लग ना जाए। आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप लोगों को ईदी कितनी हुई है, काम की बात तो ये है ना, ईदी कितनी हुई है वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। और आप ईदी देते हैं या लेते हैं? क्योंकि जो छोटा होता है वो तो लेता है ना, और जो बड़ा होता है उसको देनी पड़ती है। तो कस्टर्ड अब थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे और चम्मच मसलसल हिलाते रहेंगे। मैं अभी ईदी ले रही हूँ, मेरी अभी बचत हो रही है, मैं अभी देने देने का वक्त मुझे नहीं आया अभी, तो अभी मैं ले रही हूँ। तो मुझे 2,000 रुपये ईदी हुई है, कम ही हुई है। जब हम छोटे होते हैं तो ज़ाहिर है हर कोई देता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर घर वालों के अलावा फिर इतना नहीं रहता कि सब भी दें। बाकी का कस्टर्ड भी ऐड कर देंगे। तो मुझे जितनी ईदी होती है मैं सेव कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सेविंग का शौक़ है, सेविंग करना अच्छा होता है। तो ज़रूरत पड़ने पे बंदा अपने पैसों को खर्च कर सकता है। तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने कितनी ईदी दी और कितनी आपको इकट्ठी हुई। तो कस्टर्ड सेवैयाँ हमारी रेडी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी कस्टर्ड सेवैयाँ बिल्कुल रेडी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। पिस्ता और बादाम से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। हर एंगल से मैंने इसको कैच किया था क्योंकि मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने हर एंगल से इसको कैच किया। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ईद है तो ईदी तो बनती है ना मेरी। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक दफ़ा फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। गुड नाइट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।